हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फाइन। तो आज हम बात करेंगे वीडियो की जो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था। इसके ऊपर कुछ कमेंट्स आए थे। तो ये वीडियो है टफेस्ट ड्रोन बाय DJI एंड ड्रोन कंपटीशन हैपनिंग राइट नाउ। इस पर कुछ कमेंट्स आए थे और इसके अलावा जो भी लेटेस्ट कमेंट्स आए थे वो भी मैं इस वीडियो में लेने वाला हूँ। तो अगर आप नए चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम बताते हैं आपको ड्रोन से रिलेटेड एवरी इन्फॉर्मेशन, लीगैलिटी, एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। क्वेश्चन सेशन नंबर 18 और 99, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर, बट इट्स द कंटिन्यूशन ऑफ आवर अर्लियर डिस्कशंस ऑन ड्रोन्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टफेस्ट ड्रोन पे जो कमेंट्स आए थे। तो उस पर सबसे पहले कमेंट किया था साकेत जी ने, साकेत श्रेष्ठा, ही इज सेइंग थम्स अप, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद एक्सट्रीमली पावरफुल ड्रोन कह रहे हैं अभिषेक चौधरी, रेगुलर व्यूअर, थैंक यू अभिषेक। देन इज मैविक 2 प्रो का वीडियो बनाओ विद प्राइसेस, ब्राड बॉय कह रहे हैं। ये मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं हमारे न्यू ड्रोन्स वाले प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट इज गौरव जागीरदार, नाइस वीडियो, थैंक यू सर। नेक्स्ट इज बसंत कदियाम, सर इस ड्रोन की कॉस्ट कितनी होगी? जो ये मैट्रिक्स सीरीज का था, ये अराउंड 8 to 9 lakhs के आसपास होगा। व्हाट विल द अप्रॉक्स कॉस्ट ऑफ दिस ड्रोन? सिमरनप्रीत सिंह भी यही पूछ रहे हैं, वही 8 से 9 के बीच में, इन लैक्स। तो इस पे 6-7 कमेंट्स ही आए थे। उसके बाद आया था मैंने कॉम्पिटिशन्स के बारे में, लोग पूछ रहे थे कि कॉम्पिटिशन्स कौन कौन से तरह के होते हैं, कौन कौन से हो रहे हैं इस टाइम। तो वो सब क्वेश्चन जो उसके ऊपर आए थे, 4-5 कमेंट्स आए थे, वो मैं पढ़ देता हूँ। सबसे पहले मिस्टर विनोद, इन्होंने पूछा, सर आपके हर न्यूज़ बहुत ही कम काम की होती है और मैं आपके हर वीडियो का इंतजार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर विनोद, थैंक यू, कीप इट अप। ध्रुव कुमार कह रहे हैं, ग्रेट वीडियो, बट मेरा एक क्वेश्चन ये है सर कि कंपटीशन कहाँ पर होंगे और इनमें कोई एरियल फोटोग्राफी से रिलेटेड फोटो कंपटीशन नहीं है क्या? एरियल ये कह रहे हैं कि एरियल फोटोग्राफ्स को देख के, मतलब वहाँ कितनी अच्छी एरियल फोटोग्राफी, फिलहाल इंडियन सिनेरियो में जो वहाँ पर कंपटीशन एट प्रेजेंट हो रहा था, 26 तारीख को हुआ था, अब तो हो गया है, तो आगे फ्यूचर में भी होते रहेंगे। तो इंडिया की मैं बात बता रहा था, इंडिया में ये ड्रोन कंपटीशन हुए थे, देहरादून में हुए थे। और यस, एरियल फोटोग्राफी का भी कंपटीशन होता है, बट उस फोटोग्राफ वो एक फोटोग्राफी की तरफ टिल्ट हो जाता है, इसलिए ड्रोन कंपटीशन जो होते हैं उनमें कोशिश की जाती है सिर्फ ड्रोन्स को लेके। शी लव्स मेकिंग वीडियोज। हेलो वीडियो मैम, सो इससे फोटोग्राफी की आपकी मतलब, या इट इज़ गुड टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन में आपकी फोटोग्राफी की टैलेंट देखा जाए एरियल में कैसे करते हैं। तो फिलहाल अभी ऐसा कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं होता, यही जो 5-6 मैंने आपको बताया था कॉम्पिटिशन, यही होते हैं ड्रोन कॉम्पिटिशन में। नाइस मिस्टर चित्रा, वेलकम सर, हेलो, हाउ आर यू, होप एवरीथिंग इज़ फाइन। एनी ड्रोन कॉम्पिटिशन इन इंडिया नाउ विदाउट UIN? इफ यस देन हाउ कम? सी दिस इज द कॉम्पिटिशन अरेंज बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। सो उसमें कोई, जब सरकार करवा रही है तो सरकार को कोई ऑब्जेक्शन हो सकती है, और वहाँ पर जो ड्रोन्स होंगे या जो जो लोग आने वाले होंगे सब सरकारी ही होंगे, आई थिंक सो। तो आई डोंट थिंक सो उसमें उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा UN नंबर का, तो सो देर वॉज नो एनी रिस्ट्रिक्शन लाइक दैट ऑन द साइट जो मैंने बताई थी आपको इस रिलेटेड ड्रोन थन। सो इट वॉज ऑफिशियल ड्रोन फेस्टिवल बाई इंडियन गवर्नमेंट एंड इट वॉज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ UK, उत्तराखंड। Like you're posting, but we are excited to do so, but no way out, our hands tied up without UAN. You are right, but the events like this you can attend, and if you have drone you can go there, and if they allow you you can do it, because it is government, it is the event organized by government, so there is no issue of that UAN number, I think so, because it was organized by our government, so you can go there and take your drone there. If you are interested in competition you can participate, so it's like that. I'm doing my best to update everything about the drones. Thank you, sir. Mr. Deepshah Garia, sir, if you want to fly up to 500 meters, then what kind of permission I need? I'll make you clear on this point that on micro drones and the drones which we use for the photography and casual use, they haven't provided any update on this matter, key how high you can go. So the limit they have provided, which I have already told you. So 500 meter is very high. So there is no such clause which tells ki yes, you can fly. But unofficially people are flying. So I hope you haven't misheard what I'm saying.
सर SMRC S20 ड्रोन की अनबॉक्सिंग रिव्यू की वीडियो कब आएगी? फ्रेंड्स मैंने वो उनसे बातचीत की थी, आप हमारे ड्रोन के इस चैनल को बड़ा कीजिए, बड़ा करेंगे तो हमारे रीच बड़ी होगी, तभी हमारे पास ड्रोन के रिव्यू यूनिट्स आ पाएंगे। तो वो आ नहीं रहे हैं तो तभी मैं वेट कर रहा हूँ। DJI कमिंग टू इंडिया पे कुछ कमेंट्स आए थे वो मैं बता रहता हूँ। हाय थैंक्स फॉर द न्यूज़, कैन यू प्लीज़ कन्फर्म दैट द ड्रोन्स कैन बी रजिस्टर्ड विच आर ब्रॉट विद इन July 19 to 2018। ये मिस्टर अक्षनिल शीत, मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था बाय राइटिंग ऑन द रिप्लाइज, सो ही इज इंटरेस्टेड इन बाइंग ड्रोन। सो मैंने उनको कहा था कि बेटर है थोड़ी एक दो महीने वेट कर लें, बट स्टिल इफ यू वांट टू बाय ही कैन बाय, क्योंकि जो अपडेट है जिसमें कह रहे थे कि अप टू July 2019 तक वी विल बी एबल टू रजिस्टर आवर ड्रोन्स। मिस्टर दीप शाह का एक और क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट सैमसंग M10 M20 इफ ऑल्सो हैव मसेसिव बैटरी? ये बात कर रहे हैं बेस्ट बजट फोन फॉर DJI ड्रोन्स। सी बैटरी मैटर नहीं करती टू सम एक्सटेंट मैटर, बट एक्चुअली व्हाट मैटर इज द प्रोसेसिंग पावर ऑफ द फोन। तो उसके लिए मैंने बड़ा अच्छा रूल बताया था पहले कि जिस मोबाइल फोन में PUBG स्मूथली चलती है वो आपकी DJI ऐप को बहुत अच्छे से चलाएगा। होप आपको पता लग गया। यस M20 इज बेटर फॉर DJI। और एक कह रहे हैं मिस्टर नवीद, सिंगापुर से ड्रोन परचेस करके लेकर आ सकता हूँ क्या भाई, प्लीज लेट मी नो। सर डिसमेंटल कर लीजिए, 99% वो काम करता है। तो दिस वर द क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चंस, और कोई भी आपका कमेंट ड्रोन से रिलेटेड आपके दिमाग में है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं और कोई सजेशन देना चाहते हैं कि आप इस पर वीडियो बनाइए, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो उस पर वीडियो बनेगा जरूर। थैंक यू वेरी मच, कीप रॉकिंग, और होप आज अभिनंदन जी वापस आ जाएं। कीप रॉकिंग।